वेलकम बैक टू आर टीजीआर एकेडमी। हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, नया चौथा टॉपिक शुरू किया था एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। सो अभी आज हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बहुत सारी मतलब पांच एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स है, ठीक है। तो पांच डिफरेंट काइंड्स है एडजेक्टिव के। तो फर्स्ट नंबर का जो एडजेक्टिव का काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव भी एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द एडजेक्टिव शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और अ थिंग। दैट एडजेक्टिव विच शो क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो देखो दो तीन एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल आर लाइक कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, ठीक है। उसके बाद ही इज एन ऑनेस्ट मैन, द फूलिश ओल्ड क्राउड ट्राइड टू सिंग। तो देखो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में या पर्सन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है या उसकी क्वालिटी बताता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसा बोलते हैं। देखो क्या बोला, एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, एग्जाम्पल फ्रेंच वाइन्स, टर्किश टोबैको, इंडियन टी एक्सेट्रा आर समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। दे आर जनरली क्लास्ड विद द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ऐसा भी एक प्रकार आता है कि जहाँ पे प्रॉपर नाउन, जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था कि उस पर्टिकुलर नेम ऑफ थिंग प्लेस और एनिमल जो होता है उसका, अगर उसका नाम देके अगर हम एडजेक्टिव की तरह उसको यूज करें तो वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस प्रकार का वो प्लेस है, थिंग है या एनिमल है या नेम है, वो किस प्रकार का है, ऐसे जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ थिंग्स में, मतलब कितनी मतलब क्वांटिटी मतलब कितना है, हाउ मच इन नंबर्स, हाउ मच इन क्वांटिटी, वो जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे बोलते हैं। अगर एग्जांपल देखेंगे, आई एट सम राइस, मतलब मैंने थोड़े से चावल खाए हैं, मतलब वो जो थोड़ा सा होता है, थोड़े से होते हैं, वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही शोड मच पेशेंस, उसने बहुत धीरज रखी या दिखाई, तो वो जो मच होता है, बहुत जो होता है, वो हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, मतलब उसके पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस है या बहुत सारा इंटेलिजेंस है, जो ये लिटिल शब्द है वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। उसके बाद टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, ये जो ग्रेट है ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ठीक है। मतलब अगर एक आधे सेंटेंस है उसको आप क्वेश्चन पूछो कि हाउ मच से जो अगर उसका आंसर आ रहा है तो वो हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। उसके बाद देखो क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार में भी सब डिवाइड हो चुके हैं, तो वो कौन से वो तो मैं आपको बताऊंगी, पर फिलहाल हम देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। द एडजेक्टिव विच शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स कैन, मतलब कितने हैं, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी में बहुत फर्क होता है। हाउ मेनी डिनोट्स इन न्यूमेरिकल और नंबर्स में होता है या हम उसे गिन सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं। जैसे द हैंड हैज फाइव फिंगर्स, ये जो फाइव फिंगर्स है हमारी, ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। उसके बाद क्या है, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, मतलब ये जो फ्यू है ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। उसके बाद आई हैव थॉट यू मेनी थिंग्स, ये जो मेनी हो गया वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। उसके बाद मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, तो ये जो मोस्ट हो गया वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के सेंटेंस को अगर आप हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछते हो तो उसका जो आंसर आएगा तो वो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स
और न्यूमरल एडजेक्टिव आर ऑफ थ्री काइंड्स, उसके थ्री प्रकार है, तीन प्रकार है। तो उसमें का पहला है डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव विच डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद देखो ये दो प्रकार है, एक कार्डिनल्स है और एक ऑर्डिनल्स है। तो कार्डिनल्स में कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो हम बोलते हैं वो हो गए हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, और उसके बाद 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो हो गया हमारा ऑर्डिनल्स नंबर ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद सेकेंड टाइप सब टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव का, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। देखो नाम में ही उसका मीनिंग दिया हुआ है। द इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, ऐसे कोई एडजेक्टिव वो एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। देखो फोर्थ सेंटेंस है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, एच हो गया हमारा इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल, तो देखो एवरी वर्ड मतलब अपने एखादा पर्टिकुलर वर्ड छूना है क्या नहीं छूना, उसके बाद वर्ड हम गिन सकते हैं क्या नहीं गिन सकते, इसलिए बहुत सारे अल्फाज का यूज किया होगा, तो इसलिए जो एच है एवरी है वो क्या हो गया, एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं कर रहे, इसलिए वो हो गया हमारा इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद वन आइदर साइड इज नैरो लेन, मतलब ये जो आइदर हो गया वो भी डेफिनाइट नंबर बता नहीं रहा, इसलिए वो इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखो क्या है, द सेम एडजेक्टिव मे बी क्लास्ड और एज अ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। तो देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये जो है देखो आई एट सम राइस इसमें क्या दिखाई, क्वांटिटी दिखाई है, और सम बॉयज आर क्लेवर, सम बॉयज मतलब नंबर ऑफ बॉयज आर क्लेवर, इसमें से कोई कोई चुने हुए बॉयज क्या है, क्लेवर है। उसके बाद ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी क्या कमाई, पूरी संपत्ति कमाई, और मेन आर स्ट्रॉन्ग, पूरी संपत्ति कमाना वो हो गया क्वांटिटी, और मेन आर स्ट्रॉन्ग मतलब